बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर एंड टुडे वी विल डू रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 11, जू हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रीडिंग, देन राइट द वर्ड्स मीनिंग ऑन आवर रीडिंग बुक, एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज पेज नंबर 118, 119, 120 एंड 122। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल दीज मीनिंग्स ऑन योर रीडिंग बुक। दीज वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड ऑन योर रीडिंग बुक। Okay, start reading. Paragraph number 1. In a zoo, various birds and animals are kept. चिड़ियाघर में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर रखे जाते हैं। Zoo administration, चिड़ियाघर की इंतज़ामिया, takes care of their food, उनकी खुराक, health, सेहत and living conditions, और रहने सहने के जो अहवाल होते हैं ने उनके बारे में उनकी takes care, हिफाजत करती है। And a lot of money is spent on them, और इस पर बहुत ज़्यादा रकम जो है वो खर्च होती है। इट इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, दैट देर इज़ अ हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू, कि चिड़ियाघर में इन जानवरों के लिए और परिंदों के लिए एक हस्पताल भी होता है। वेयर एक्सपर्ट डॉक्टर्स लुक आफ्टर दैम, जहाँ पर जो माहिर डॉक्टर होते हैं वो इनकी लुक आफ्टर इनकी देखभाल करते हैं। इट इज़ अमेजिंग टू नो, ये जानना भी हैरान कन होगा, दैट देयर ट्रीटमेंट इज़ डन देयर, कि उनका इलाज वहाँ पर किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 2, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन पेशेंट्स एंड एनिमल पेशेंट्स, क्या आपको इंसानी मरीज़ और जानवरों के मरीज़ों के बारे में फ़र्क का पता है? अ ह्यूमन पेशेंट हिमसेल्फ गोज़ टू द डॉक्टर, एक जो इंसानी मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, वो खुद डॉक्टर के पास जाता है। टेल्स हिम हिज प्रॉब्लम, डॉक्टर को अपना मसला बताता है। गेट्स मेडिसन, मेडिसन लेता है, दवाई हासिल करता है, एंड यूजेज इट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस, और इसे डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। इन केस ऑफ एन एनिमल पेशेंट, जबकि जानवर मरीज के मामले में, द वेटरनरी डॉक्टर, जो जानवरों के इलाज मुआवजा करने वाला जो डॉक्टर होता है, कम्स टू इट, इसके पास खुद आता है, यानी एनिमल के पास या बर्ड के पास खुद आता है। ट्राइज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, मसला तलाश करने की कोशिश करता है, एंड एडवाइज द वेज, और नसीहत करता है उन तरीकों के, फॉर द एनिमल्स टू टेक मेडिसिन, जानवर को दवा खिलाने के तरीकों के बारे में नसीहत करता है, ये सोचता है। पैराग्राफ नंबर 3, अ डॉक्टर गिव्स अ मैन अ पिल, एक डॉक्टर जो होता है वो एक मरीज़ को, एक मैन को, इंसान को गोली देता है, दवा की गोली देता है, एंड ही स्वेलोज इट, और उसे निगल लेता है। बट द वेटरनरी डॉक्टर शोज़ द एनिमल्स द पिल और पाउडर, बट कैन नॉट मेक दम स्वेलो इट, लेकिन जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो जानवरों को गोली या पाउडर, यानी जो पाउडर होता है, सफूफ होता है, उन्हें दिखाता है, बट कैन नॉट मेक दम स्वेलो इट, लेकिन उन्हें निकलवा नहीं सकता। सो वेरी ऑफन, इस तरह बहुत सारे अक्सर ऐसा होता है, द डॉक्टर्स हैव टू यूज़ सम ट्रिक, कि डॉक्टर्स को ट्रिक, कोई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ती है, टू नर्स द सिक एनिमल्स, बीमार जानवरों का इलाज करने के लिए। पैराग्राफ नंबर 4, हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ सिक एलिफेंट, यहाँ पर हम एक बीमार एलिफेंट के बारे में बताते हैं, उसकी कहानी बताते हैं। हु वॉज सफरिंग फ्राम सम डिजीज़, जो कि किसी बीमारी में मुबतला था। द एलिफेंट वॉज वेरी रेस्टलेस, एलिफेंट, हाथी बहुत ज़्यादा बेचैन था। द डॉक्टर फाउंड आउट द डिजीज़, डॉक्टर को बीमारी का पता चला, एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ बिटर पाउडर, और उसने हाथी को एक बिटर पाउडर, यानी कड़वा जो पाउडर था वो खिलाना था। बट द एलिफेंट वुड नॉट स्वेलो द पाउडर, लेकिन जो एलिफेंट है वो इस पाउडर को नहीं निकलेगा। द डॉक्टर हैड टू थिंक ऑफ अ वे, डॉक्टर को इस तरीके के बारे में सोचना था, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि इस मसला पर किस तरह काबू पाया जाए। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद था, दैट दिस एनिमल हैड अ ग्रेट लाइकिंग, ग्रेट लाइकिंग का मतलब है बहुत पसंद, यानी डॉक्टर को ये याद था कि इस तरह के जो एनिमल हैं, यानी एलिफेंट को, ग्रेट लाइकिंग फॉर पोटैटोज, इन्हें पोटैटोज बहुत ज़्यादा, आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अ लार्ज पोटैटो वॉज ब्रॉट, एक बड़ा सा आलू लाया गया, एंड केयरफुली कट इन टू टू, और उसके दो हिस्से किए गए। हाफ ऑफ द इनसाइड पार्ट वॉज स्कूप्ड आउट, एक तरफ का जो आधा हिस्सा था आलू का, उसको अंदर से खोखला किया गया, यानी उसके अंदर जो आलू का होता है उसको खोखला किया गया। द पाउडर वॉज पुट इन इट प्लेस, और उसकी जगह पर, यानी अंदर से जो आलू को स्कूप आउट किया गया था उसकी जगह पर पाउडर रखा गया। एंड द पोटैटो वॉज
क्लोज्ड अगेन और आलू को दोबारा से बंद कर दिया गया. देन द डॉक्टर प्लेस्ड द कट पोटैटो ऑन अ ट्रे. डॉक्टर ने फिर उस दोबारा बंद करने के बाद आलू को ट्रे पर रखा विच वॉज फुल ऑफ पोटैटोज जो कि आलुओं से भरी हुई थी. एंड इन्वाइटेड द एलिफेंट टू टेस्ट देम और हाथी को वो आलू खाने के लिए दिए. पैराग्राफ नंबर 5. Having eaten a few sound potatoes का मतलब यहाँ पे होगा कुछ अच्छे वाले जो आलू थे वो खाने के बाद, the sick animals at last picked up the one. उस बीमार जानवर ने आखिरकार picked up the one वो पकड़ा which held the powder जिसके अंदर वो powder था. He poked it into his mouth. उसने अपने मुँह के अंदर इसको डाला and with a few hurried crunches और थोड़ा जल्दी इसको चबाने के बाद ही स्वेलोडिस उसने उसे निगल लिया. यानी जैसे ही उसने अपने पोप्ड इट का मतलब होता है हल्की आवाज़ के साथ खाना, ठीक है. पहले उसने इसको हल्की आवाज़ से खाना शुरू किया और फिर उसने हरिड क्रंचीज यानी थोड़ा सा तेज़ चबा कर स्वेलोडिस इसको निगल लिया. द डॉक्टर्स लिटिल ट्रिक हैड वर्कड. अब जो डॉक्टर की छोटी सी ट्रिक थी, तरकीब थी, हैड वर्कड, उसने काम दिखा दिया था. पैराग्राफ नंबर 6. Another patient in the zoo was a young giraffe. एक और मरीज जो था जू में पाया गया वो था नौजवान जराफा. He was also taken sick. उसको भी बीमार पाया गया. Giraffe has a liking for a loaf of sugar. जिराफ को मीठी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी. The medicine was to be given to this animal patient thrice a day. इस जानवर को दिन में 3 मरतबा दवाई देनी थी. So it was given to him on a loaf of sugar. And the giraffe did not mind taking it. इस तरह इस पेशेंट को जिराफ को लॉफ ऑफ शुगर यानी मीठी रोटी पर या मीठी टिकिया पर वो दवाई लगा कर दी गई. एंड द जिराफ डिड नॉट माइंड टेकिंग इट और जिराफ ने इसे लेते हुए ज़रा भी बुरा महसूस ना किया. पैराग्राफ नंबर 7. वन डे एक दिन अ बर्ड कॉल्ड स्पून बिल एक परिंदा जिसका नाम जिसको हम स्पून बिल कहते हैं जिसको उर्दू में हम सफ़ेद रंग का जो बगला होता है उसको कहते हैं. वो लिव्ड इन वन ऑफ द बिग आउटडोर केजेस जो कि आउटडोर बाहर वाले पिंजरे में रहता था. सडनली अचानक बिकेम वेरी इल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. द बर्ड वॉज टेकन टू द जू हॉस्पिटल वेयर इट वॉज डिसाइडेड. इस बर्ड को भी स्पून बिल को भी जू हॉस्पिटल में लेकर आया गया. वेयर इट वॉज डिसाइडेड जहाँ पर यह फैसला किया गया दैट द ओनली क्योर वॉज कैस्टर ऑयल कि इस परिंदे का जो क्योर इलाज था वो सिर्फ कैस्टर ऑयल था. नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ज़्यादातर जो परिंदे हैं डिसलाइक कैस्टर ऑयल एज मच एज वी डू मतलब कि जितना हम कैस्टर ऑयल को नापसंदीदा है हमारे लिए ऐसे ही इस परिंदे को भी पसंद नहीं था. सो द मेडिसिन वॉज मिक्सड इन द बर्ड्स फूड इस तरह इसकी खुराक के अंदर इस मेडिसिन को मिक्स करके दिया गया. सिंस अ स्पून बिल लिव्स मोस्टली ऑन फिश ज़्यादातर जो स्पून बिल होते हैं लिव जोन का मतलब है गुजारा करना वो ज़्यादातर किन चीज़ों को खाकर गुजारा करते हैं फिश को. द ओनली थिंग टू बी डन इन दिस केस इस मामले में जो करना था वो ये था वॉज टू ओपन अ फिश कि एक फिश को ओपन करना था एंड फिल इट विद कैस्टर ऑयल और इसको कैस्टर ऑयल के साथ भरना था यानी एक फिश को अंदर से खोल के ओपन करके उसके अंदर कैस्टर ऑयल को फिल करना था. पैराग्राफ नंबर 8 एंड लास्ट. दस इट इस तरह इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू विजिट अ जू हॉस्पिटल इस तरह जू हॉस्पिटल को विजिट करना जू हॉस्पिटल की जो वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प है. एंड टू टॉक टू द वेटरनरी डॉक्टर्स अबाउट द एनिमल डिजीज़ और एक जो जानवरों का डॉक्टर होता है उससे एनिमल डिजीज़ यानी जानवरों की बीमारियों के बारे में पूछना एंड द ट्रिक्स और वो तरकीब विच दे अडॉप्ट जो वो इख्तियार करते हैं टू मेक द सिक एनिमल्स स्वेलो द मेडिसिन जो वो बीमार जानवर को निकलवाने के लिए उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में पूछना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. These doctors, ये doctor have a good deal of knowledge of the favorite food of different animals. इन डॉक्टरों के पास बीमार जानवरों के मुख्तलिफ़ किस्म के बीमार जानवरों के फेवरेट फूड इनकी पसंदीदा खुराक के बारे में डील ऑफ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इल्म होता है. दे यूज़ दिस नॉलेज टू ट्रीट एनिमल्स वो इस नॉलेज को जानवरों का ट्रीट का मतलब है इनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स योर रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज. फर्स्ट वी हैव वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 118. फाइंड द वर्ड्स इन द लेसन विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स इन कॉलम ए एंड राइट देम अंडर कॉलम बी. वन इज़ डन फॉर यू. स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 अगेन.
एंड वी विल फाइंड आउट द वर्ड्स यूज इन द रीडिंग अ मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट. ठीक है, एक जो टैबलेट की फॉर्म में एक मेडिसिन होती है उसको हम क्या कहते हैं. विच वर्ड हैज़ बीन यूज इन द रीडिंग, दैट वर्ड इज पिल. सेकेंड इज गेटिंग इन टू स्टमिक थ्रू द थ्रोट, यानी उसको सीधा स्टमक में लेकर जाना, गेट थ्रू द थ्रोट, गले के जरिए, मतलब पूरा ही उसका निकल जाना, उसको क्या कहते हैं. द वर्ड यूज इन द रीडिंग बुक इज स्वेलो. पैराग्राफ नंबर 4 में हमारा वर्ड यूज हुआ है टू मेक एम्प्टी और हॉलो, यानी अंदर से खोखला करना, उसके लिए स्कूप आउट. पैराग्राफ नंबर 5 टू ईट बाय मेकिंग अ स्मॉल साउंड, हल्की आवाज़ के साथ खाने का, खाने के लिए जो हमारी रीडिंग बुक में वर्ड यूज हुआ है दैट इज पोप. पैराग्राफ नंबर 5 टू क्रश नॉइजली विद टीथ, इसी पैराग्राफ में जो तेज तेज चबाना, मतलब थोड़े शोर के साथ, इसको इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है दैट इज क्रंच. कम टूवर्ड्स पेज नंबर 119, टिक द राइट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट. द एनिमल्स लाइक टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, द आंसर विल बी सराउंडिंग्स. नंबर 2, द एक्सपर्ट डॉक्टर्स लुक आफ्टर डैश इन अ जू हॉस्पिटल, आंसर विल बी एनिमल पेशेंट्स. नंबर 3, द डॉक्टर डैश द वेज हाउ द एनिमल्स शुड बी मेड टू टेकन मेडिसन, the answer will be finds, the doctor finds the way how the animals should be made to take a medicine. Number 4, the dash has a great liking for potatoes, elephant. Giraffe has liking for dash, loaf of sugar. Spoonbill mostly lives on dash, fish. Now come towards its grammar part. In grammar part we will discuss about the transitive verbs and the intransitive verbs. Okay students, as you know the verb is also part of speech. And what are transitive verbs? Transitive verbs, when a verb has an object that receives the action of the verb, we say that the verb is transitive. जैसा कि फर्ज करें कि एक verb है, ठीक है, और verb जो है उसका एक object है that receives the action, that is called transitive verb. For example, a doctor gives a pill. अब यहाँ पर हमारा जो verb है that is gives. ठीक है, अब गिव्स जो है इसका ऑब्जेक्ट ये किस पर इफेक्ट हो रहा है, मतलब गिव्स क्या दिया जा रहा है, दिस इज़ अ वर्ब और इसका आगे ऑब्जेक्ट क्या है, पिल. अब ऐसे वर्ब्स जिसका जिनके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी होता है दैट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट्स. अब हमने यहाँ पे इन वर्ब्स के साथ सोल्ड, टूक, बॉट, अंडरस्टूड और रोड, इन वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाकर इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स बनाना है. आई सोल्ड अ बाइसिकल, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई बॉट अ न्यू वॉच, आई अंडरस्टूड द आंसर, आई रोट अ लेटर. ठीक है, यहाँ पे हमारे जो वर्ब्स हैं इन सब के साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए दीज वर्ब्स विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. नाउ वी विल कम टूवर्ड्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स. When the verb does not have an object and nothing receives the action, we say that the verb is intransitive. मतलब कि हमारी जो verbs हैं, ठीक है, वो without object भी हमें complete sense दे रही हूँ एक sentence में, हमारा जो sentence है वो without object भी एक complete sense दे रहा हो, तो वहाँ पर जो हमारे verb होंगे that will call intransitive verbs. फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब जिनका ऐसी वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट जो है वो नेसेसरी नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ द फॉलोइंग इनट्रांजिटिव वर्ब्स इन सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं, स्लेप्ट, क्राइड, फेल, रैन, रोज, ऑल दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स. नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. स्लेप्ट, शी स्लेप्ट आफ्टर डिनर. क्राइड, द चाइल्ड क्राइड लाउडली. Fell, the luggage fell from the bus. Ran, the thief ran away. Rose, they rose at 6 a.m. Look at part number C. Make sentences of the following words. Find out whether the verbs are transitive or intransitive. As you know students, that the which verbs have an object that will call transitive verbs, and the verbs which don't have any object they will called intransitive verbs. You have to tick the transitive or intransitive verbs in these sentences. Now move towards the next page. Here we have active voice and passive voice.
Students, listen carefully. We have there a paragraph number 1 and 2. Now we will read these paragraphs. A large potato was brought and carefully cut into two. Half of the inside part was scooped out. The powder was put in its place and the potato was closed again. In paragraph number 2, the doctor brought a large potato and he carefully cut into two. He scooped out half of the inside part. He put the powder in its place. He closed the potato again. What difference did you notice? अब हमने इन दोनों पैराग्राफ में क्या चीज़ हमने नोटिस की है. पैराग्राफ वन में द एक्शन इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस, इट इज़ इन पैसिव वॉइस. अब पैराग्राफ वन में हमारे एक्शन को यानी पोटैटो वॉज ब्रॉट इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए दिस इज़ आवर पैसिव वॉइस. एंड इन पैराग्राफ नंबर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है, डॉक्टर. द डॉक्टर ब्रॉट अ लार्ज पोटैटो. इन पैराग्राफ टू सब्जेक्ट डॉक्टर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, इट इज़ इन एक्टिव वॉइस. वी यूज़ पैसिव टेंस व्हेन एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. हमारा पैसिव टेंस जो है वो कब स्टार्ट होता है, जब हमारा एक्शन जो है वो ज़्यादा अहम होता है पैसिव में. वी आल्सो यूज़ पैसिव वॉइस फॉर द रिपोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इन द पास्ट. देर आर टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Come towards the next page and we will do our passive voice. You have to choose, you have to select active and passive voice. First, read the following sentences, identify active and passive voice. Number one is I like mangoes. I like mangoes. अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, active voice है और mangoes are liked by me. ये क्या होगा, passive voice. Students, this was your reading and exercise. Do reading again and write all the meanings on your reading book. Okay, thanks. Allah Hafiz.